दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, तब आपको कैसा लगता है? जरूरत पड़ने पर जब आप अपने किसी दोस्त या पड़ोसी से बाइक मांगने जाते हैं और वो कोई बहाना बनाकर मना कर देता है, तब आप क्या करते हैं? जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं और एक के बाद एक कई सारी कंपनी आपको रिजेक्ट कर देती है, तब आपको कैसा महसूस होता है? क्या इन सब बातों से आपको इंसल्ट फील नहीं होता? क्या आपके दिल पर चोट नहीं लगती? अगर चोट लगती है, इंसल्ट फील होता है, तो फिर इन सब बातों को आप इतनी आसानी से भूल कैसे जाते हैं? दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर एक हलचल पैदा कर देगा, जो आपको यूं हाथ पे हाथ धरे चैन से बैठने नहीं देगा। दोस्तों, ये कहानी है 1896 की। सिनेमा जगत के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी पहली फिल्म का प्रदर्शन मुंबई में प्रदर्शित करने का निर्णय किया और उन्होंने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के आलिशान वॉटसन होटल में अपनी फिल्म का प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन को देखने के लिए केवल ब्रिटिश लोग ही आए थे, क्योंकि वॉटसन होटल के बाहर एक तख्ती लटकती रहती थी जिस पर लिखा होता था कि भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा भी लुमार भाइयों की वो फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें वॉटसन होटल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस बात का जमशेद जी टाटा के दिल पर ऐसी चोट लगी कि उन्होंने वॉटसन होटल की आभा को धूमिल कर देने वाले एक भव्य और आलीशान ताजमहल होटल का निर्माण शुरू करवा दिया और 1903 में यह भव्य और अति सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया। तब कुछ समय तक इस होटल के गेट पर एक तख्ती लटकती रहती थी जिस पर लिखा होता था कि ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। मैं जमशेद जी टाटा की ऐसी सोच, उनके जुनून, उनकी देशभक्ति को सलाम करता हूँ। दोस्तों, अपमान का बदला कैसे लिया जाता है, ये हम सबको टाटा परिवार से सीखने की जरूरत है। जब आपका पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई दोस्त आपको अपना बाइक देने से बहाने बनाकर इनकार कर देता है, तब आपके अंदर वो जुनून पैदा क्यों नहीं होता कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आप बाइक तो क्या, कार खरीदने के लिए सक्षम हो जाएं? जॉब के लिए जब आपको एक के बाद एक इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब आपके दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि खुद का ही कोई बिजनेस कर लें या खुद का कोई कंपनी खड़ी कर दें? जब लोग आपकी आलोचना करते हैं, जब कोई कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, ये तुम्हारे औकात से बाहर है, तब आपका खून क्यों नहीं खौलता? कहीं आपके रगों में खून के बदले पानी तो नहीं दौड़ रहा है, जो आप आसानी से अपमान का घूंट पीकर रह जाते हैं? अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को साबित करने का, कुछ करके दिखाने की आग आपके अंदर पैदा क्यों नहीं होती? दोस्तों, याद कीजिए अमिताभ बच्चन, उनकी आवाज़ के चलते ही उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट कर दिया गया था और आज उनके दमदार आवाज़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अपने दमदार आवाज़ और बेहतरीन अभिनय के दम पर ही वे सदी के सबसे बड़े महानायक बने। जैक मा, उन्हें ना जाने कितनी बार सेल्समैन की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जैक मा ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। आज उनकी कंपनी Alibaba.com दुनिया की जानी मानी कंपनी में से एक है। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए अपना दिन रात एक कर दो और तब तक रुको नहीं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, क्योंकि आपकी सफलता ही उन सब के लिए एक सबक होगा जो आपकी आलोचना करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपका अपमान करते हैं। दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून से दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Facebook पे शेयर जरूर करना। धन्यवाद।